हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ मेडिकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल। जान करके हमने ये दो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, ये बताने के लिए कि मूवमेंट ऑफ आईबॉल आपको किसी भी क्लास में और लोकसभा के सत्र में बहुत बहुत ज़्यादा फेमस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अबाउट द मूवमेंट ऑफ आईबॉल, कौन सी मसल कौन सी मूवमेंट करवा रही है। ओके, तो एक ही मसल आपको याद रखनी है इस वीडियो में, बाकी सब आपको एक ट्रिक के द्वारा याद करवा दी जाएगी। इनफैक्ट इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, सुपीरियर ऑब्लिक, एक होता है एस वर्ड, दूसरा होता है ओ वर्ड। एस बोले तो सिन, मतलब जहां पर भी वर्ड सुपीरियर आएगा वो सब की सब इन टॉटर्स होंगी। जहां पर भी वर्ड सुपीरियर आएगा वो सब इन टॉटर्स होंगी। जहां पर भी वर्ड ऑब्लिक यानी कि ओ आएगा वो सब की सब ऑपोजिट काम करेंगी, यानी सुपीरियर ऑब्लिक आंख को नीचे लेकर के जाएगी, दैट इज डाउनवर्ड्स, दैट इज डिप्रेशन ऑफ द आई। और दूसरी चीज हमें पता लगी कि सुपीरियर ऑब्लिक एक इन टॉटर भी है। ठीक है, तीसरी चीज आपको याद रखनी है, ये एक एबडक्टर है, यानी कि एस ओ जो है सुपीरियर ऑब्लिक, उसको हम एक आई एस के नाम से याद कर सकते हैं, दैट इज टीना डाबी। डाबी मीन्स डी फॉर डिप्रेशन, ए फॉर एबडक्शन एंड आई फॉर इन टॉटर। अगर आपको ये चीज़ यहाँ तक याद हो गई है तो आप इस फोटो में देखेंगे तो आप एक चीज़ बिल्कुल समझ पाएंगे कि डिप्रेशन और एबडक्शन कराने वाली एक जो मसल है उसका नाम है सुपीरियर ऑब्लिक। यहाँ तक अगर आपको याद हो गया तो बाकी हमने कुछ नहीं किया है, इस तरीके के चार बॉक्सेस बना लिए हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सुपीरियर के जो एकदम डायगनल है वो भी सुपीरियर है, और अगर सुपीरियर ऑब्लिक यहाँ हमने लिख दिया है तो ये सुपीरियर रेक्टस होगा। अब हमें ये याद रखना है कि बाकी दोनों बचे हुए इन्फीरियर हैं। यदि कोई इन्फीरियर ऊपर लेकर के जा रहा है तो याद रखेंगे कि वो इन्फीरियर ऑब्लिक ही होगा, वो इन्फीरियर रेक्टस नहीं हो सकता, तो बचा हुआ ये इन्फीरियर रेक्टस है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि ये जो है सुपीरियर ऑब्लिक है, ये हमें याद हो गया है, इसके जो एकदम डायगनल है वो सुपीरियर रेक्टस होगा, जाहिर सी बात है, बाकी दोनों बचे हुए इन्फीरियर होंगे, और जो इन्फीरियर ऊपर लेकर के जा रहा है वो उल्टा ही होगा, दैट इज ऑपोजिट, दैट इज ऑब्लिक, तो ये बचा हुआ इन्फीरियर रेक्टस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट ऑल द ऑब्लिक्स डू ऑपोजिट एक्शन एंड ऑल द रेक्टस इज स्ट्रेट। रेक्टस मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट, तो इन्फीरियर रेक्टस मतलब सीधा काम करना, वही काम करना जो उसका नाम बोल रहा है, जैसे कहता है ऐसा, इन्फीरियर रेक्टस मतलब नीचे लेकर गिर जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको हमेशा याद रहेगा फॉर योर एमसीक्यू पर्पस इन नीट पीजी, फॉर योर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन इन सीएनएस मेडिसिन, फॉर योर ऑफ्थाल्मोलॉजी वाइवा, फॉर योर ऑफ्थाल्मोलॉजी क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी बेसिक साइंसेज ऑफ योर एनाटॉमी एंड इवन इन फार्माकोलॉजी वी आर डीलिंग विद द ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन द मसल्स। Okay, so all these things are very important. Make sure that you like, subscribe and do follow our Telegram channel for more such beautiful updates that are going to help you greatly in your university exam as